दोस्तों नमस्कार, मैं बहुत स्वागत है दोस्तों अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट आदेश लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल के आयुक्त के द्वारा जारी किया गया है। मामला मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रमोशन ट्रांसफर को लेकर है। उन शिक्षकों के प्रमोशन ट्रांसफर पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इम्पोर्टेंट आदेश जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल आयुक्त के द्वारा। अप्रैल 2024 तक शिक्षकों को कार्य मुक्त न करने संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए। अब तक का बड़ा अपडेट, साथ ही स्कूलों पर जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं जिनकी जगह नियमित शिक्षक आने से अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है, अब उनको थोड़ी सी राहत यहां पर मिलेगी क्योंकि ज़्यादातर शिक्षकों के प्रमोशन पहले ही हो चुके हैं और वह ज्वाइन भी कर चुके हैं। चल कंप्लीट अपडेट बताएंगे। एक नया आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल का यह 11 जनवरी 2024 को जारी किए गए आदेश में लोक शिक्षण आयुक्त ने स्पष्ट किया है। ऑफिशियल आदेश का क्रमांक यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रति के रूप में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के लिए आदेश जारी किया गया है। साथ ही विषय में बताया हुआ है कि सीएम राइज विद्यालयों से किए गए शिक्षकों के प्रशासनिक स्थानांतरण उपरांत कार्य मुक्त न किए जाने के संबंध में, यानी जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है उनको कार्य मुक्त नहीं करना है। फिलहाल पहला जो आदेश है वह सीएम राइज के शिक्षकों के लिए लागू किया गया है। जल्द ही पूरे मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी नियम वही रहेंगे। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट अपडेट दिखाते हैं। बताया हुआ है कि सीएम राइज विद्यालयों से शिक्षकों के प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश दिनांक 21/12/2023 एवं 2/1/2024 को ऑनलाइन जारी किए गए हैं। वर्तमान में बोर्ड तथा अन्य परीक्षाएं निकट होने से प्रशासकीय आधार पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है, यानी सीधे तौर पर बोर्ड परीक्षाओं का हवाला देते हुए यहां पर ट्रांसफर पर रोक लगाई गई है। साथ ही आगे बताया हुआ है, नंबर एक में ऐसे शिक्षक जिन्हें अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है उन्हें वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत 15 अप्रैल 2024 तक कार्यमुक्त न किया जाए, यानी 15 अप्रैल 2024 के बाद यहां पर अब इनको कार्यमुक्त करना है। 15 अप्रैल 2024 तक इनकी कार्यमुक्त करने पर रोक लगा दी गई है। वहीं अगला जो बिंदु बताया हुआ है कि यहाँ पर देखें, ऐसे लोक सेवक जिन्होंने कार्यमुक्त होने के बाद नवीन पदस्थापना स्थल पर अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है उन्हें पूर्व स्थानांतरण स्थल पर कार्यभार ग्रहण करवाया जाए और 15 अप्रैल 2024 के उपरांत ही कार्यमुक्त किया जाए। यानी सीधे तौर पर जिनका ट्रांसफर हो गया था, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था और अब उनको वहाँ पर ज्वाइन नहीं कराना है, 15 अप्रैल के बाद ही उनको यहाँ पर जहाँ वह मूल पदस्थाप हैं वहाँ से मुक्त किया जाएगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा, यानी आदेश को लागू कर दिया गया है। अब 15 अप्रैल तक कोई भी शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा। वही अनुभव श्रीवास्तव जो कि लोक शिक्षण आयुक्त हैं, 11 जनवरी का महत्वपूर्ण आदेश है। प्रतिलिपि के रूप में तमाम पदाधिकारियों यहाँ पर देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथी जितने भी अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के प्राचार्य, सबको सूचना के तौर पर आदेश भेज दिया गया है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से बिल्कुल फिर भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगला अपडेट के लिए घंटी के जीत को जरूर दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।